नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ कई सारे फिल्मों में अपनी अहम किरदार और भूमिका निभा देने वाली श्रुति राव भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। और श्रुति राव भले ही सेकेंड लीड एक्ट्रेस ग्रुप में काम करें, लेकिन उनकी पहचान एक बढ़िया अभिनेत्री के रूप में होती है, एक बढ़िया जो है जबरदस्त तरीके के हीरोइन के रूप में होती है। और उनकी बातों को भी लोग गहन तरीके से सुनते हैं और फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड होने के बावजूद भी लोग उनको जानते हैं, समझते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है कि श्रुति राव दूसरे नंबर पर लीड एक्ट्रेस के रूप में, सेकेंड नंबर के लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करती हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के दिलों में वो अपनी पहचान बनाती हैं। आशिकी की फिल्म में भी वो नजर आई हैं और उस समय जो है एक इंटरव्यूअर का जो है इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो श्रुति राव के इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं। श्रुति राव खेसारी लाल यादव के तमाम फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। तो जब खेसारी लाल यादव को उनको उनसे पूछा गया कि अगर खेसारी लाल यादव सिंगर नहीं होते, एक्टर नहीं होते, तो आखिरकार खेसारी लाल यादव क्या होते, तो श्रुति राव ने खूबसूरत तरीके से जवाब दिया कि खेसारी लाल यादव अगर एक्टर नहीं होते तो ये एक बहुत बढ़िया सिंगर होते, लेकिन अगर वो सिंगर भी नहीं होते तो वो एक बढ़िया नेता होते, एक बढ़िया पॉलिटिशियन होते। जब पूछा गया कि आखिरकार ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव का वे ऑफ टॉकिंग, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो काफी ज्यादा बेहतर है, अंडरस्टैंडिंग है, समझदार है, समझते हैं, और उनके पास जो है एक नेता का गुण है, इसलिए वो राजनीति में जा सकते थे और एक नेता के तौर पर खेसारी लाल यादव आ सकते थे। तब फिर इस पर जब सवाल किया गया कि नेता लोग तो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि खेसारी लाल यादव हैं वो नेता बन सकते हैं, लेकिन वो झूठ वाले नेता नहीं, अच्छे वाले नेता बन सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। और इस तरीके की जो बातें श्रुति राव ने खेसारी लाल यादव के बारे में बोली है, ये चीज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, उसको लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट और सपोर्ट करते भी नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव अगर सिंगर एक्टर नहीं होते तो एक पॉलिटिशियन होते? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।